Good morning, students. Today we will discuss the topic of class 8's unit 1 exercise 1.0. इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस नंबर लाइन इक्वेशन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रिप्रेजेंट करना है 7/4. हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. हमने लाइन ड्रॉ कर ली. अब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो हम पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वाली साइड्स की तरफ राइट करना स्टार्ट करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 एंड 7/4. तो इस रिप्रेजेंटेशन से हमें ढूंढना है 7/4 कहाँ है लास्ट में. तो उसको सर्कल कर लिया. ओके, तो 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आता है. इसी के साथ हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का भी यहीं पे ही पढ़ लेते हैं. जैसे एक लाइन के दो साइड्स होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को सारे के सारे टर्म माइनस में लिखे जाते हैं, नेगेटिव टर्म्स होंगे, और राइट हैंड साइड को सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स होंगे. बोलने का मतलब ये है कि इस साइड को सारे के सारे जितने भी टर्म्स लिखोगे तो माइनस में आएंगे और इस साइड वाले प्लस में आएंगे. ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट है -5/6. तो -5/6 के लिए अगेन हम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट करना स्टार्ट करेंगे. तो हमने यहां 0 मान लिया, यहां पे 1/6, -2/6, 3/6, 4/6, 5/6, -6/6, -7/6. तो -5/6 कहाँ आ रहा है, वहां पे सर्कल कर लिया. तो इसी से हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही पूरा हो गया है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिप्रेजेंट करना है एक लाइन के ऊपर -2/11, -5/11, -9/11. तो अगेन हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. जैसे ही हमने लाइन ड्रॉ की तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हम राइट करना स्टार्ट करेंगे. 0, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, 6/11, -7/11, 8/11, 9/11, 10/11. तो हमारे पास पहले है -2/11. तो -2/11 सर्कल कर लिया. -5/11 तो ये भी सर्कल करेंगे. -9/11 तो 9/11 को भी सर्कल करेंगे. इसको सर्कल करने के बाद ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है. हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. हमारा थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन में लिखा है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन
देन टू. तो इसका सॉल्यूशन रहता है सिंपल सा, वन जीरो, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, वन बाय फाइव. तो हमने आगे वाले पांच रैशनल नंबर लिख लिए जो दो से छोटे थे. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर में हमें टेन रैशनल नंबर निकालने हैं. तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फाइंड टेन रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू बाय फाइव एंड वन बाय टू. तो हमें टेन रैशनल नंबर निकालने हैं माइनस टू बाय फाइव एंड वन बाय टू के. तो हम टू बाई फाइव राइट कर लेते हैं और वन बाई टू भी राइट कर लेते हैं. हमने बहुत बार पढ़ा है कि हमें किसी भी रैशनल नंबर के अगर डिनोमिनेटर बराबर करने हो तो हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर बराबर आए. तो फाइव है और डिनोमिनेटर पे टू है, तो हम ऐसे मल्टीपल्स बनाएंगे जो फाइव और टू के आंसर सेम सेम आए. तो हमने पहले फोर से मल्टीप्लाई किया, माइनस एट ओवर ट्वेंटी आया, और ट्वेंटी का बाद है टू के टेबल में टेन पे, तो टेन से टेन ओवर ट्वेंटी. हमें ये भी ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर बराबर करते टाइम किसमें टेन रैशनल नंबर आए. तो माइनस एट ओवर ट्वेंटी एंड टेन ओवर ट्वेंटी, इसमें बड़े आराम से अब कितने रैशनल नंबर आ जाएंगे, टेन आ जाएंगे. राइट करते हैं माइनस सेवन ओवर ट्वेंटी, सिक्स ओवर ट्वेंटी, माइनस फाइव ओवर ट्वेंटी, फोर ओवर ट्वेंटी, थ्री ओवर ट्वेंटी, माइनस टू ओवर ट्वेंटी, वन ओवर ट्वेंटी, जीरो, वन बाय ट्वेंटी लिखो, टू बाय ट्वेंटी, सो ऑन, नाइन बाय ट्वेंटी. सो ऑन का मतलब ये होता है इसके बीच में क्या क्या आ गया, थ्री बाय ट्वेंटी आ गया इसके बीच में, फोर बाय ट्वेंटी, फाइव बाय ट्वेंटी, सिक्स बाय ट्वेंटी, सेवन बाय ट्वेंटी, इससे लेके नाइन बाय ट्वेंटी तक. ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें फाइव रैशनल नंबर निकालने हैं. कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, फाइव फाइव. तो जैसे ही पहला क्वेश्चन है टू बाय थ्री एंड फोर बाय फाइव, तो अगेन हम सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे टू बाय थ्री एंड फोर बाय फाइव. टू बाय थ्री लिखा मल्टीप्लाई, फोर बाय फाइव लिखा मल्टीप्लाई. अब हमें चेक करना है कि थ्री के टेबल और फाइव के टेबल में कॉमन क्या क्या आता है, और कॉमन ऐसा आना चाहिए कि उसमें फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स भी निकलने चाहिए. मल्टीपल्स के साथ जो फ्रैक्शन भी निकलने चाहिए. तो टू बाय थ्री है, हमने चेक किया पहले टू से, टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, पर सिक्स तो फाइव के टेबल में नहीं आता है. तो हमने चेक किया आगे क्या, फाइव से, फाइव थ्री जार फिफ्टीन, और फाइव थ्री फाइव जार फिफ्टीन, पर फाइव टू जार टेन होता है, और फाइव फोर जार थ्री फोर जार ट्वेल्व. तो हमें अब मल्टीप्लाई करना है इसको डायरेक्टली ट्वेंटी से. आप ट्राई कर सकते हो बार बार सिक्सटी. अब फाइव के टेबल में सिक्सटी कब आता है, ट्वेल्व के टेबल में, ट्वेल्व के ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जार फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी. अब फोर्टी और फोर्टी एट के बीच में बड़े आराम से आ जाएंगे, हम यही राइट कर लेते हैं, फोर्टी अपॉन सिक्सटी एंड फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी. तो इसके बीच में बड़े इजी तरीके से आ जाएंगे, फोर्टी वन बाय सिक्सटी, फोर्टी टू बाय सिक्सटी, सॉरी फोर्टी थ्री बाय सिक्सटी, फोर्टी फोर बाय सिक्सटी,
45 बाय 60, ओके। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में अब हमें दोबारा से सेम प्रोसेस करनी है। अब 3 बाय 2 लिखूंगा, इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2 मल्टीप्लाई अपॉन, तो माइनस 3 बाय 2, अब 5 बाय 3, तो 5 बाय 3 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, तो हम पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 बाय 6 और 2 से किया 10 बाय 6, तो अब बड़े इजियर तरीके से हम इन दोनों के बीच वाले मल्टीपल्स, सॉरी मल्टीपल्स नहीं फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। तो पहले आ गया 8 बाय 6, 7 बाय 6, 5 बाय 6, 4 बाय 6, इसके बीच में 6 बाय 6 रह गया लिखने को, 3 बाय 6, 2 बाय 6, तो ये सारे के सारे 5 रैशनल नंबर हो चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है इसका, वो थर्ड, इसका थर्ड पार्ट है 1 बाय 4 एंड 1 बाय 2। इस वाले क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन माइनस 2, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस 2, ऐसे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो ग्रेटर देन माइनस 2 है, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहता है, सबसे इजी है ये, आप खुद करेंगे, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाय 5 एंड 3 बाय 4, ओके।